कंट्री के बाहर भी भेज सके दूसरे एयरपोर्ट के साथ जुड़ते हुए, वो भी एक रहेगा। और सर एक एमआरओ के लिए हम हैंगर बनाएंगे कि जो यहाँ प्लेन आएंगे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उन प्लेनों के जो मेंटेनेंस होता है, पहले प्लेन की जो दुरुस्ती होती है उसके लिए भी यहाँ शायद कोई कंपनी आए, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि वो कंपनी आए और यहाँ एमआरओ की एक्टिविटी शुरू करे जिससे कि प्लेन की दुरुस्ती का काम हो और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले। ये एक प्रपोज व्यू है जो फाइनल नहीं है, अभी सिर्फ ड्राइंग पर है कि किस तरीके का दिखेगा, इसमें अभी काफ़ी बदलने होने की संभावना है, चर्चाएं होंगी, गाइडेंस भी जाएगी, सर से गाइडेंस भी जाएगी और यहाँ का जो लोकल आर्किटेक्ट है, जो लोकल यहाँ का यहाँ इस एरिया में जिस तरीके का आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है, जिस तरीके का मटेरियल यूज़ किया जाता है, लोकल मटेरियल यूज़ किया जाता है, उससे ही बनाया जाएगा। अभी सबसे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ इस तरीके से दिखाया गया है। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं 2,00,000 स्क्वायर फीट की, वो एकदम मोस्ट मॉडर्न होगी, किसी भी शहर से उसको कंपेयर कर पाएंगे और उसमें सारी फैसिलिटी होंगी, जिसमें आपको यदि बैगेज ड्रॉप करना है तो बिना काउंटर के भी बैगेज ड्रॉप कर सकते हैं। इनलाइन स्क्रीनिंग मशीन रहेंगी बैगेज के लिए, जिसको कि आपको सामान एयरलाइंस के कर्मचारियों को सामान देने से पहले स्क्रीन करने की आवश्यकता ना होगी। जैसे दिल्ली मुंबई में हम सीधे जाके काउंटर पे सामान दे देते हैं, उसके बाद में अंदर स्क्रीन होता है, बरसात से भी बचेगा, जैसे कि इंदौर में किया जाता है या भोपाल में या दिल्ली में, तो सीधा एरो ब्रिज से आप जाओगे अपने प्लेन। नेक्स्ट, ये दिखाया कि जो एप्रेंस बनेंगे वो किस तरीके के रहेंगे, टैक्सी वे रहेंगे, उसमें कितने प्लेन खड़े कर सकते हैं, दिखाने के लिए 3-4 प्लेन का एक साइड दिखाया है, लेकिन जैसे बताया गया था थोड़ी देर पहले 19 प्लेन यहाँ एक साथ खड़े हो सकते हैं। ये हैंगर है जो मैं बता रहा था कि एक हैंगर भी बनाएंगे जिसमें कि कोई इंजन कंपनी एमआरओ का काम कर सके और इंजन रिपेयर वगैरह का काम, और थोड़े से जो उसके एयरपोर्ट जो बनाने वाले हैं उसके बारे में आपको मैं बता सकता हूँ। आप पीछे हो जाइए। ग्वालियर शहर का विकास के बारे में आज आपने चर्चा करी, माननीय मंत्री महोदय जी ने उसका पूरी विवेचना करी, उस स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट में एयरपोर्ट भी अच्छा स्मार्ट नया हो और अगले 20-25 साल की ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने जैसा हो, ऐसा माननीय मंत्री जी का संकल्प रहा और उन्होंने आशीर्वाद संभालने के तुरंत बाद ही हम सबको निर्देश दिया। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो माननीय मंत्री महोदय जी के कारण हुई, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं, कि एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए जो हमें जगह की आवश्यकता थी, वो जगह की आवश्यकता उन्होंने इतनी स्पीड से तीव्र गति से पूरी की कि मैंने तो आज तक उस तरीके की तीव्र गति देखी नहीं थी, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। और ग्वालियर को एक अच्छा एयरपोर्ट देने की, एक मॉडर्न एयरपोर्ट देने की पूरी कोशिश रहेगी और हम ऐसा एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी आपको देंगे। उस एयरपोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ग्वालियर शहर के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हैं। हम इस तरीके से सोचते हैं कि ग्वालियर शहर इस क्षेत्र का एक ऐसा शहर है जो आसपास के शहरों के यात्रियों को भी एयरपोर्ट के माध्यम से पूरे भारत को जोड़ेगा, पूरे भारत से जोड़ेगा और आसपास के क्षेत्रों से भी ग्वालियर एयरपोर्ट में लोग आते हैं और आगे भी आते रहेंगे और ज्यादा आएंगे। इसलिए इस शहर के को एयरपोर्ट बड़ा और अच्छा आधुनिक एयरपोर्ट देना आवश्यक से आप लोगों के साथ हूँ, मैं इनके साथ नहीं हूँ। सोच है कि एयरपोर्ट जल्द से जल्द बने और अगर अरे भैया एजुकेशन उभर रहा है अगर मैंने छोटा एयरपोर्ट बनाया होता तो आप बड़े एयरपोर्ट की मांग करते। अब मैंने बड़ा एयरपोर्ट का मांग मैंने रखा है, मैं बना रहा हूँ, आप एविएशन एकेडमी की मांग। आप ये समझ लीजिए कि मैं कोई कसर छोड़ूंगा नहीं, आपने देख लिया मैं क्या कर रहा हूँ। जो हमारा एयरपोर्ट 30,000 का है स्क्वायर फुट का, मैं 2,00,000 का बना रहा हूँ। जहाँ 4 एप्रन है मैं 19 एप्रन बना रहा हूँ। जहाँ 1 टैक्सीवे है मैं 2 टैक्सीवे बना रहा हूँ। जहाँ अभी ATR आता है वहाँ 777 को मैं लैंड करवाऊंगा। तो ये क्षमता सब मैं रख रहा हूँ, तो आप ये धैर्य रखो कि जो हो सके मैं करूंगा। सर,
साडा में भी जमीन कलेक्टर साहब ने रेखांकित की थी एयरपोर्ट की, पर दुर्भाग्यपूर्ण वो जमीन वायुसेना के एयरपोर्ट के कोर्ट में आ रहा है। मालूम है जैसे कि एसएसबी सीमा सुरक्षा बल आईटीबीपी इनके साथ भी मैं मिल रहा हूँ कि उनकी फैसिलिटी